गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्ध ऊटकत्रयं बलयुन्द्रिक्रमण्डलं वीरानष्टशनकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मारायण मंत्रासहित वंदे गुरुर्मंडलम्। पंडित सद्गुरुदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हुआ और सारे गुरुमंडल को प्रणाम करता हुआ आज इस तांत्रिक रात्रि होलिका के उपलक्ष्य में आप सब लोग यहाँ जो आए हैं, तंत्र उसे कहा गया है तरणा त्रायंती की तंत्र, शरीर की किस प्रकार से रक्षा की जाए, उसे किसी प्रकार को प्रसन्नता दी जाए, मंत्र करने को कहते हैं मन्ना त्रायंती की मंत्र, मंत्र करने से मन को शांति मिले, तंत्र करने से तंत्र शरीर को और यंत्र से देवताओं को प्रसन्न करने की हमें शक्ति मिले, इसे मंत्र तंत्र और यंत्र का है। जब ये तीनों भी मिलते हैं तो ही हम उस एक विशिष्ट शक्ति को अपने शरीर में प्रसारित करते हैं, मन में, आंखों में और अपने तन में। ये तीनों की मिलन को एक विधान के साथ जोड़ा जाए तो उसे तांत्रोक्त विधान कहा गया है। हम देखते हैं कि हमें अगर चलते किसी गांव को पहुंचना है तो हम घंटे को 5 किलोमीटर के हिसाब से चलते हैं। अगर वही उसके साथ कोई यंत्र में कार में बैठ गए तो 40 किलोमीटर हम एक घंटे में या 60 किलोमीटर एक घंटे में कार में पहुंच जा गए, और उससे भी ज़्यादा करना है तो फ्लाइट से जाएंगे तो एक घंटे में 600 किलोमीटर जाएंगे, यानी यंत्रों की सहायता से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये यंत्र की जो क्रिया है ये तांत्रिक, फिर अगर यंत्र भी हो तुम्हारे पास, कार हो और फ्लाइट भी हो, पैसा भी हो, लेकिन चलाने वाला नहीं हो तो क्या होता है, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। तंत्र विधान को क्या कहा है कि जिस विधान के साथ उसको चलाया जाए तो हम उसका फल भोग सकते हैं, उस विधान को केवल गुरु ही बोलता है, और गुरु के मुख से लिया हुआ वो विधान जो अपने जीवन में आचरण करता है वो जहाँ गम्य अपने गम्य स्थान को पहुँचना है वहाँ पहुँच सकता है। इसलिए गुरु जी ने अपनी पत्रिका का नाम मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान रखा था, वो विज्ञान का मतलब होता है साइंस। तो हम हमारे जीवन में बहुत सारी साधनाएं संपन्न की होगी, करते रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को इस तरह अनुभव करते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारे पीछे दुख है, कोई कष्ट है, असंतुष्टि है, शांति नहीं है, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बार बार आती ही रहती हैं, और बार बार चाहे गुरु कितना भी तुम्हें प्रयत्न करे लेकिन कभी आप आके ये नहीं बात करेंगे कि गुरु जी मैं आपकी आपकी कृपा से बहुत प्रसन्न हूँ। आप जरूर एक बात बोले जाएंगे, बोलते जाएंगे गुरु जी मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है बेटा आशीर्वाद दे रहा हूँ शादी हो जाए, शादी हो गई, गुरु जी पत्नी बहुत सता रही है, आशीर्वाद दे रहा हूँ बेटा पत्नी भी अच्छी हो जाए, गुरु जी बच्चा नहीं हुआ, बच्चा हो जाए आशीर्वाद दे दिया, गुरु जी बच्चा बीमार है आशीर्वाद दिया, बच्चा नहीं पढ़ रहा है आशीर्वाद। आप गुरु को ये एक लाइन लग गई, शादी से लेकर बच्चे के पोते तक लाइन लग गई, अब गुरु ये करते करते गुरु का जीवन बीत गया, शिष्यों का जीवन बीत गया, साधना नहीं। हम आज अनुभव कर रहे हैं इस बात, मेरे पास तो मैं अनुभव करता हूँ, शायद दूसरे गुरु अच्छे होंगे लेकिन मेरे शिष्यों के पास तो मैं अनुभव करता हूँ, कभी ये बात आके नहीं कहेंगे कि गुरु जी आपकी कृपा से हम बहुत अच्छे हैं, ये बात नहीं कहेंगे। उनको अगर सर्दी हो गई या समझो घर बंद नहीं रहा है तो भी जिम्मेदार गुरु ही है, क्यों ये गुरु जी पैसा है सब है लेकिन घर नहीं बन रहा है, क्या करेंगे गुरु जी आके बांध दे वहाँ, नहीं वो प्रयत्न नहीं करेगा। गुरु जी भी घर बांध रहा है आज, गुरु जी भी मंदिर बांध रहा है, फिर उसको भी तो तकलीफ, वो किसको बोल ले, उसके गुरु को कभी नहीं बोलता मैं गुरु को, मैं कहता हूँ कर्म करना मेरा ये है, गुरु जी फल देना आपका कार्य, मैं अगर कर्म बिना करे आपको पूछूंगा तो गलत बात, इसमें चाहे कुछ भी कष्ट आए मुझे इतना भरोसा है कि आप मुझे तारेंगे जरूर, आप मुझे मेरी रक्षा करेंगे जरूर, ये विश्वास मुझ पे है, मेरे पास है, मैं कर्म करूंगा, फल देना आपकी इच्छा, यही गीता में कहा गया है, तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, मैं देख लूंगा। लेकिन हम इस बात को गीता की इस बात को मानते ही नहीं। अब रही बात दूसरी, हम हर बार यही बात कहते हुए आते हैं कि गुरु जी हमारे जीवन में मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, या मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इससे पहले भी, एक महाशय थे मेरे पास आए जो चलते हुए आते थे, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, आए मेरे, उन्होंने कहा गुरु जी झोपड़ी है रहने के लिए, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान हूँ गुरु जी। तो मैंने कहा भाई तुम्हें अष्टलक्ष्मी की साधना करो, देखो कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मैंने बताया। अष्टलक्ष्मी की साधना हुई, 3 साल के बाद मेरे पास आए महाशय,
अरे गुरु जी क्या बताऊँ, बहुत परेशान हूँ। अरे क्या हुआ गुरु जी? घर बंधा, लोन लेके घर बंधा था, लोन नहीं फिट रहा है, घर तो बड़ा बांध दिया हूँ। और उसके बाद बाद क्या हुआ गुरु जी कि मैं अब चलाने के लिए नहीं रहा, तो स्कूटर भी खरीदा, उसको भी लोन पे किया हूँ, लोन नहीं जा रहा है गुरु जी। पत्नी बहुत परेशान करती है, लोन वाले परेशान करते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, कुबेर साधना करो तो तुम्हारा लोन वगैरह सब चला जाएगा। वो लोन फिट गया, कार आ गई, बच्ची पैदा हुई, बच्चे पैदा हुए, थोड़ा बड़े हो गए बच्ची। एक दिन रात में 12 बजे फ़ोन आया मेरे, क्या गुरु जी आप जरा किसी भी तरह, मैं बहुत संकट में हूँ, आप जरा देखो। बोला क्या हुआ भाई, क्या संकट है? गुरु जी मेरी बच्ची बहुत सता रही है, कह रही है कि तुम कल सुबह मेरे बर्थडे के दिन कार खरीद के दोगे तो ही मैं जिंदा रहूँगी, नहीं तो मैं फांसी ले लूँगी। गुरु जी आप कुछ ना कुछ करो, बचाओ। अब गुरु जी क्या करें, फांसी को बचाए या कार के लेके, कार लेके दे उसको? रात में बोला अरे भाई ये कोई फ़ोन करने की तरीका है? बहुत कितना भी बोला, गुरु जी आप कुछ भी करो, मेरे बच्चे का सवाल है, आप कुछ ना कुछ करो। अरे मैं बोला मैं क्या कर सकता हूँ तुम? रात में बोला, फिर भी बोला 16 माला गुरुमंत्र जप करो, ह्लीम बीजाक्षर के लगा के करो, बच्ची बाहर आएगी, बच्ची को समझा दो या बच्ची को फ़ोन दो, मैं बात करता हूँ। आखिर उन्होंने बच्ची को फ़ोन दिया और कहा, मैंने कहा बच्ची को तू देख, एक तेरे पिताजी को इतने रात में आकर कार देने को फांसी ले लेती हूँ, तुम्हारे तेरा पिता फांसी ले लेगा, एक महीने का समय दे तेरे को कार आ जाएगी। वो बच्ची ऐसी किसी, गुरु जी एक महीना नहीं, मेरे सभी फ्रेंड्स को कार है, मेरे को कार नहीं है, मुझे चाहिए चाहिए। अच्छा भाई 15 दिन में कार दिला दूंगा, तो अभी तो बाहर आ जा, तो आ जा। फिर आई बात आनी आई गई हो गई, कार खरीद लिया वहाँ से, कार चलाई। एक दिन फिर रात में फ़ोन आया, रात के 12 बजे। मेरा क्या हुआ गुरु जी? बच्ची ने एक्सीडेंट कर दिया कार का, अब गुरु क्या करे? सर फोड़ ले, कार खरीदी, कार एक्सीडेंट हो गया तो गुरु क्या करे? गुरु जी उसको बचा लो। मगर खरीदा गए को, एक्सीडेंट करा गए को, फिर बोला मैं वो बच्ची को जरा फ़ोन दे, बच्ची को दिया, तेरे को बोला था ना गुरु जी? नहीं गलती मेरी नहीं थी गुरु जी, आगे वाले की गलती थी, कार का एक्सीडेंट हो गया, अब कैसा गुरु जी आप कुछ ना कुछ करो। इस तरह जीवन गुजारता गया। आज तुम्हें कहता हूँ वो बच्ची को पोती भी हुई, वो पोती भी वैसी है और वो अमेरिका में रहती है। और मैं कभी हंस के बोलता हूँ तेरे बच्ची को भी कार खरीद के देना, तो बोले जन्म में खरीद करके नहीं दूंगी गुरु जी, मुझे अनुभव हो गया, मैं आज से तुम्हें कुछ नहीं मांगूंगी। इस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में तृप्ति नहीं है। यह जीवन, यह कार्य अपने ही पास नहीं। हम देखते हैं कि रामचंद्र जी के जमाने से भी, रामचंद्र जी जब पैदा हुए तब क्या परिस्थिति थी? दशरथ को संतान नहीं था, संतान नहीं थी तो ऋषि सिंह महामुनि से तब हवन करवाया, हवन से खीर आई, तीनों भारियाओं को दिया। कहते हैं कि दशरथ महाराज के 80 वर्ष की आयु में उनको संतान हुई और उनको 3-4 बेटे हुए, आपको तो पता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी। उनका जीवन कैसा गुजरा उस रामायण के बारे में मैं ना कहूँ तो ठीक है, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी का जीवन ही ऐसा था कि उन्होंने संसार में रहने वाले सारे उनको उनके ऊपर भरोसा करने वालों का दुख अपने ऊपर ले लिया था और चाहते थे कि प्रजा सुखी रहे। స్నానం చేసి రండి, గోమూత్రం వేసుకోండి, తో రామచంద్రజీ జైసే జన్మ లియే మాతా పితా ఇ జంగల్ ఆపన్ వనవాస అనుభవ కియే, సీతా మాతా ఆయీ ఉన్కో వనవాస హువా, మాతా తీనో మాతాయే విధవా హుయీ। और पूर्ण रामचंद्र जी का जीवन अगर हम देखते हैं या उनके भाइयों का जीवन देखते हैं तो उन्होंने लोक कल्याणार्थ ही सारे दुख माता सीता के साथ सभी ने दुख ही अनुभव किया। ये बात सच है कि सभी का दुख लेकर स्वयं अनुभव करते रहे। और जिस दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ उसी दिन तारा माता का भी जन्म हुआ, ये ब्रह्मांड की बात है, ये कभी आगे बताऊंगा। इसलिए हम राम को तारक राम कहते हैं, तारने वाला राम। और ये रामचंद्र जी जिस दिन जन्मे उसी दिन तारा माता का भी जन्म हुआ, रामनवमी के दिन। यह तारा इस संसार में तारने वाली कही गई है, लेकिन कब? जिस दिन तारा का जन्म हुआ उस दिन रामचंद्र जी को भी एक कहा गया कि सीता माता की शादी हुई। वशिष्ठ महर्षि ने कहा